गाइस वेलकम बैक, आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल पर। ऑन पेसिप के जितने भी फाउंडिंग मेंबर है, आप लोगों को बता दें आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार गुड न्यूज निकल के सामने आए हैं प्राइम डिस्कशन से। अगर आपने प्राइम डिस्कशन ज्वाइन किए थे तो अच्छी बात है, और अगर आप प्राइम डिस्कशन ज्वाइन नहीं किए थे तो पूरा वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में प्राइम डिस्कशन से जो अपडेट निकल के सामने आए हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो अपडेट आपको बताने वाले हैं। क्योंकि प्राइम डिस्कशन में ढिल्लन सर और कंपनी के बहुत बड़े बड़े लीडर्स बहुत ही शानदार अपडेट दिए हैं, बहुत ही शानदार डिस्कशन किए हैं, जिसको जानना आपको लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आप लोगों को हम बता दें, अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर कर लें। सबसे पहले आप लोगों को हम ये बता दें कि प्राइम डिस्कशन का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ओपी का जो खास करके यूट्यूब चैनल है वहां पे जाके देख लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को हम बता दें, प्राइम डिस्कशन में ढिल्लन सर खास करके माइंडसेट को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, कुछ दिन पहले ढिल्लन सर अपने यूट्यूब चैनल पर माइंडसेट को लेकर जो ढिल्लन सर और खासकर कंपनी के सीईओ एस वर्सर के साथ जो बातचीत हुई थी, उनका एक वीडियो क्लिप डाला गया था, जिनको लेकर बताया गया था कि हमारे इंडिया के जो फाउंडिंग मेंबर है उनका जो माइंडसेट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप लोगों को हम बता दें, हमारे इंडियन फाउंडिंग मेंबर को खास करके बताना चाह रहे थे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, 6 महीना में ये हो जाएंगे, ऐसा माइंडसेट इस कंपनी के ऊपर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि बड़ा कंपनी है और इसमें समय लगता है, बड़े कंपनी को खास करके बड़े रूप आदि में समय लगता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि 1 साल में ये हो सकता है, 2 साल में ये हो सकता है, 3 साल में ये हो सकता है, 5 साल में ये हो सकता है। तो आपको एक लंबा मतलब लॉन्ग माइंडसेट आपको सेटअप करना होगा, ताकि आप लोगों के माइंड में जो भी छोटे छोटे जो सेटअप है वो दूर हो सके और कंपनी की विजन आप इसको इसके तहत समझ सके। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते दूसरे टॉपिक पे जो बातचीत हुई है हमारा, वो है पैकेजेस को लेकर। बताया गया कि हमारे कंपनी में जब भी ओ करेंट फुल फ्रेजर के साथ आएंगे तो हमारे कंपनी में जो पैकेजेस हैं, जो अभी 1 पैकेजेस हैं, आने वाले समय पे छोटे छोटे बहुत सारे पैकेजेस होंगे, और उतने पैकेजेस होंगे जो छोटे छोटे लोग भी कम से कम इसे यूज कर सके, और फ्री में भी लोग इसे यूज कर सके। फ्री वाला जो भी टर्म है उनके ऊपर भी ध्यान दिए जाएंगे, उनके ऊपर भी काम किए जाएंगे, जैसा कि जूम पे काम किए जाते हैं। एक और बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हमारा फेसबुक पोस्ट को लेकर। आप लोग को पता ही होगा, फेसबुक में आजकल ऑन पेसिव के बारे में बहुत सारे गलत पोस्ट किए जाते हैं कि ऑन पेसिव खास करके इलीगल है, फेक है, ये है, वो है। बहुत सारे मैसेजेज आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, मेरा भी आते हैं, और खास करके ऑन पेसिव की जो यूट्यूब चैनल है उस पे जाते हैं, ऑन पेसिव का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे जाते हैं, और यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, बहुत सारे यूज़र्स हैं वहाँ पे जाके अपना फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे निकालते हैं, और कंपनी के बारे में जो मर्जी है वो लिखते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आप जो भी लिखते हैं अच्छी बात है, वो आपके आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप कंपनी को किस प्रकार से सोचते हैं, और सोचने के बाद आप किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। और एक्सप्लेन करना हर किसी के लिए ज़रूरी भी है, और ये आपका अधिकार भी है, इनके ऊपर हम बात नहीं करते हैं। लेकिन हम इतना बताना चाहेंगे कि आप जो भी सोचिए कंपनी के ऊपर, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपका विजन, आपका सोच, आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म के होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं चाहिए।